भाई साहब मेरे तो आगे खुली की खुली रहेगी, साइकिल घर के अंदर ले आया है। ये मैं तो वाइट ही करूंगा, तो भाई येलो यहाँ से वाइट है ये और यहाँ से येलो है। हेमंत को ये पसंद नहीं आ रही, हेमंत कह रहा है कि मैं अच्छी लाइट लेकर आऊंगा। पता नहीं क्या करती रहती है, कभी कोई सी कभी कोई सी। मेरा पूरा मंदिर व्हाइट और गोल्डन है, फिर मैंने मंदिर में भगवान जी चेंज कर दिए, परमानेंट रहेंगे लेकिन सिर्फ दिवाली के लिए। हाँ यारे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। क्यों डर किस बात का? भाई एक होता है ना कि मतलब प्यार की चीज से, एक होता है ऑब्सेस्ड कोई आदमी की चीज से, वो आदमी ये है। ये देखना जरा, मैंने इसे बोला था क्या लाने के लिए, रेंगो के लिए पनीर और दूध लेके आने के लिए, ये आया नहीं बहुत देर से, और जब आ रहा है भाई साहब मेरे तो आगे खुली की खुली रहेगी, साइकिल घर के अंदर ले आया है इंसान। इसको साफ करूंगा ना, क्योंकि दिल्ली में कब से 2-3 महीने से ऐसी रखी हुई थी, 1-2 हफ्ते से यहाँ पड़ी हुई है, हालत देख उसकी कैसी हो। इसका बस चले ब्रीजा ऊपर नहीं आ पाती, वरना किसी रास्ते से ब्रीजा भी यहाँ वहाँ से निकाल के यहाँ सोफे लगने छोड़ के गाड़ी साइकिल बाइक लगी हुई आपको दिखाई देती, वो कौन आदमी और ड्राइंग रूम में साइकिल लेके खड़ा है। बाथरूम में साफ करूँ? बाथरूम में और कहाँ साफ होगी, बाथरूम में साफ करूँगा यार। नीचे इतना बड़ा पार्किंग है वहाँ साफ करो ना, बाथरूम में कैसे साफ होगी साइकिल? अरे बाथरूम में साइकिल आ भी पाएगी? उसको देखो जरा बेचैनात मुख, उसको देखो तुम, उसको देख लो पहले, उसको पता नहीं क्या चाहिए उसमें से, क्या चाहिए तेरे को उसमें से। अच्छा कहा सो रहा था, हेमंत की आवाज सुनते ही उठ के भाग आया। बाबू तेरे लिए पनीर ले आया मैंने, पापा पनीर ले आया आपके लिए। हेमंत को साइकिल ले बैठाओ। साइकिल चलाएगा? बैठ नहीं पाएगा। बैठेगा साइकिल में? नहीं बैठ पाएगा। मेरा बच्चा भी साइकिल चलाएगा रे। पागलपन की बेइंतहा ये देखना यार। हे प्रभु बस यही करना बाकी रह गया था, टूट गया ले, साइकिल तो गई गई, टाइल भी गई। रुको आ रही हूँ मैं। जो चीज जहाँ पर ना वहीं पर अच्छी लगती। दिखाओ क्या करा, दिखाओ हाथ दिखाओ। ये देखो कोई तुक मानता है, मतलब नीचे से कोई साइकिल थोड़ी के लिए घर के अंदर लेके आता है क्या? इतने बड़े पार्क है, पार्क सब कुछ है घर के अंदर, रोडे हैं। हाँ सब उसकी वजह से, अपनी गलती नहीं देखते हो। और अभी यही मेरे से गलती हो गई होती ना, मेरे को चिल्ला चिल्ला के पूरा सोसाइटी खड़ी कर चुका होता, वो भी डर के मारे भाग रहे, इतनी जोर से उसके ऊपर गिरा हो। बेचैनी हो रही थी तुमको भी तो, फिर हेमंत फिर गिरेगी, वो हिल रही है, वो उसको नीचे छोड़ के आओ जाओ। बहुत जिद्दी आदमी है यार सच में। आज तक बाथरूम में इंसान नहाते थे, अब साइकिल नहा रही है। खोला हेमंत खोलो। बोल रही हूँ आज तक बाथरूम में इंसान नहाते थे, अब साइकिल नहा रही है, देख लो दोस्तों। अरे उसमें इतना क्या वाली बात है, नॉर्मल चीज तो है, तो क्या हो गया? थोड़ा आगे करो जरा, गेट खुल नहीं रहा है, आराम आराम से करना। मेरे को तो खौफ हो गया इस साइकिल का। ये देखो दोस्तों चमक तो गई है, वैसे नो डाउट सुंदर तो लग रही है, लेकिन ये सुंदरता के चक्कर में जो उसका ब्रेक टूट गया वो ठीक हो जाएगा? तो मैं करवा के लाऊंगा शाम को, हो जाएगा ना ठीक? और सच सच बताना, कैमरे के आगे ये गलती मुझसे भी होती तो सच बताना, झूठ मत है मेरी कसम। थोड़ा तो चिल्लाते, थोड़ा चिल्लाते, और वही बीवी ने देखा, बीवी चुपचाप, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि कैमरा खुला हुआ था इसलिए नहीं चिल्ला रही। मैं कब चिल्लाती यार हेमंत, कब चिल्लाती, झूठ कितना बोलते हो। देखिए जी दिवाली की तैयारियां हो रही है, हमारे घर में सामान आया नहीं है, दरवाजे हैं नहीं, लेकिन तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली से आई थी, पहले तो मैंने एक दिन पूरा बैठ के इसमें से सारा काला काला जमा साफ किया। अब इसमें क्या है कि यहाँ की साइड को जब इन लोगों ने बनाई होगी टेबल, तो एक ही कोट पेंट का किया था, तो बड़ा भद्दा सा लग रहा था, तो मैंने हेमंत से कहा इसमें एक कोट ना वाइट, मैंने तो बोला था क्रीम पेंट करने के लिए, पर सर जी मान ही नहीं रहे हैं, अंदर कलर भी वाइट अच्छा लगेगा, सूखने के बाद अच्छा लगेगा, तो समझ आएगा, वो दीवार से मैचिंग मैचिंग सा लगेगा। मैं तो समझ ही रही हूँ 3 साल से, मैं अंदर पड़ा हुआ है येलो कलर, मैं समझाने को बोल रही हूँ, बट जित पड़ा कि नहीं, मैं तो वाइट ही करूँगा, तो भाई येलो यहाँ से वाइट है ये और यहाँ से येलो है ये, सॉरी क्रीम कलर का है ये, तो ये पेंट वगैरह कर रहा है अभी। हमने फिर यहाँ पर ही पता है डबल पेंट किया, ये पेंटर है ना इतना बवाल टराई करके गए थे सारी चौखटों में, पूरे जो पुराने ब्राउन निशान थे ना वो तक दिखाई दे रहे थे।
बट फिनिशिंग तो होनी चाहिए ना काम में। हाँ मेरे को तो सही से करा हुआ अच्छा लगता है, चाहे थोड़ा टाइम और लो पर ढंग से करो कोई भी चीज। आज खाने में बना है, खाने में बनाने से पहले दिखा देती हूँ किचन के हाल। ये रहा किचन, यहाँ पर कल मैंने लाइट लगाई है बट हेमंत को ये पसंद नहीं आ रही। हेमंत कह रहा है कि मैं अच्छी लाइट लेकर आऊँगा क्योंकि ये लाइट ना पूरी घूम के जा रही चिमनी के पीछे से, जो कि उसको पसंद नहीं आ रही है। तो हेमंत कह रहा है कि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसका कोई जुगाड़ करूँगा कुछ और। और यहाँ पर मैंने कल ओवन भी फिट कर दिया है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ था वहीं पर डब्बे के अंदर। तो कल मैंने सारा सामान वामान देखो सब सेट वेट करके पूरा अपना किचन वगैरह सब सेट कर दिया। पूरा दिन लगा कल मेरे को इसे करने में। और अपना जो किचन है वो आप कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये रहा हमारा किचन का फाइनल लुक। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें धीरे धीरे करके, अभी तो शुरुआत हुई है। और आज मैंने खाने में बनाया है, ये है आज कोफ्ते जो हेमंत को बहुत पसंद है। हेमंत को अच्छे लगते हैं कोफ्ते। हाँ जी कर दी लाइट ऑन। मैं बता रही थी कि तुमको पसंद नहीं आया मेरा DIY, इसको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। मेरे को इसे काम में मज़ा नहीं आता, इसको मेरे काम में मज़ा नहीं आता, इसीलिए हम पति पत्नी है क्योंकि हमें एक दूसरे का किया हुआ काम पसंद नहीं आता। कैसे देख इसका कुछ काम नहीं होता पीछे। पीछे देखो कैसे पड़ा हुआ है पंजा बच्चा। जो देखना क्या हो रहा है, हेमंत साइकिल से हमारे यहाँ पर ना नज़दीक मुझे बैठा था आइसक्रीम वाला, दूर चले गए तो साइकिल लेके आइसक्रीम लेने के लिए गया। तो पहले तो ये हमारे साथ आया हेमंत, उसके बाद आधा समय चलेगा तो ये ना चल ही नहीं रहा। पीछे को देखा जैसे हेमंत आया है और मैंने थोड़ा सा उसको आइसक्रीम दी। हेमंत दिखाना आइसक्रीम, दिखाओ अपने हाथ की। देखो, देखो वो आइसक्रीम खा रहा है ना, चल ही नहीं रहा। आइसक्रीम पहले पप्पी दे, पहले पाई दे। नहीं आइसक्रीम नहीं खाते। खाते खाते आया तब से, उसमें पन्नी में देते हुए आए हैं कितनी देर से आ रहा। देखो तो कैसे कर रहा है, फिर रस्ते मुंह में देखा हुआ है। चार बाइट हमने ऑलरेडी दे दिए हैं। ज्यादा रैंगो बाबू ज्यादा नहीं खाते, आपके लिए हेल्दी नहीं है ये। रैंगो को फर्क थोड़ा पड़ता है कि नहीं इसी से। रैंगो देखो, ये देखो बस रैंगो हो गया, कितना टाइम तो घूम के आता है ये। अरे बाबा इतना पसंद है आइसक्रीम। मीठा तो उसे हर बार पसंद है। हाँ मीठा तो बहुत पसंद है उसको, तो छोड़ ही नहीं सकता वो। बट बेटा क्या करूँ तेरे लिए, मीठा अच्छा नहीं है। वही तो, तेरा हेयर फॉल होगा, तेरे को स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। समझा कर बाबू, अच्छा बच्चा है ना। कह रहा भाग ले, भाड़ में जा, अपने प्रोचन अपने पास रख आइसक्रीम ने। चुपचाप सुनो, साइकिल चलाऊ मैं। महीने हो गए इसे सिखाए हुए साइकिल, मेरे को लग रहा था भूल गई होगी, बट अच्छी खासी चला रही है। चलाती रहे चलाती रहे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कुछ नहीं भूली तो, अभी सब याद है तुझे। साइकिल अच्छे से चलाना सीख जाएगी तो एटलीस्ट स्कूटी साइकिल चलाएगी फ्यूचर में, जब यहाँ हम लेनी पड़ेगी एक स्कूटी यहाँ पे, तो मेरे को ऐसा लगता है। चला चला फिर, रुकी क्यों, आ जा रेंगो, तू बेटा पीछे रह गया, आ जा जल्दी, आ जा आ जा आ जा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। अबे मज़ा तुझे आया होगा, मुझे क्यों आएगा। क्यों डर किस बात का, नहीं नहीं ऐसे कैसे, मेरे को मोड़ना नहीं आता ना, वो मोड़ के होने वापस आए। खाली रोड है, चला सही चला है और क्या, बढ़िया एकदम। और कुछ चाहिए तो बताओ। वैसे भी हमने दिवाली के लिए ये लिया मंदिर के लिए। इसका मैं पूरा पत्ता सोच के रेडी, भैया काट रहे, भैया कह रहे अरे एक है 20 का। दिवाली की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, अभी धीरे धीरे आए वो देखते रहती हूँ। तो ज्यादा कुछ लेना नहीं, घर ही नहीं बना ज्यादा कुछ। चलो चलो चलो, ये रेंगो भी हमारे साथ आ रखा है। रेंगो सीधे इधर आओ, सीधे आओ, चल आगे। अब आ गए हैं दूसरी दुकान पे। इसको ये गेट तो बना नहीं है अभी तक लेकिन शुभ दिवाली के लिए। हाँ ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। ये पहाड़ियों में जो केले उसके आम के पत्ते लगाते हैं ना, वो आम के पत्ते, बीच में गणेश जी भी बने हुए हैं। अच्छा हाँ गणेश जी बने, सुंदर लग रहा है, ये ले रही हूँ। हाँ ये अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्या करती रहती है, कभी कोई सी कभी कोई सी। मेरा पूरा मंदिर व्हाइट और गोल्डन है, फिर मैंने मंदिर में भगवान जी चेंज कर दिए। ये परमानेंट रहेंगे ना मेरे, वो कभी कभी के लिए ये परमानेंट हो जाएंगे। तो ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, जो पिछली मूर्ति जो ली थी वो भी हाल ही में मिट्टी की चलती है ज्यादा। अच्छा नहीं, मेरे को परमानेंट चाहिए, परमानेंट के लिए सही है वो, सही है परमानेंट के लिए। अब दिए भी दे दो भैया, दिए भी दे दो। पहले तू देख,
मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। मैं सीरियसली मैं गई थी सिर्फ दिए लेने के लिए, और दिए करते करते हैं जो जेब खाली हो गई है, क्या बताऊँ मैं यार। वो सामान भी बहुत महंगा है यार, मतलब ट्रिपल ट्रिपल लेयर्स ये दिल्ली से। सबसे पहले मैं लाई हूँ ये पूजा की थाल, बहुत सुंदर सी। उसने मेरे को ना ये चेप दिया बोल बोल के कि मैं न्यू डिजाइन है, न्यू कलेक्शन है यार, सबसे महंगी थाल। ये मतलब तो कलर भी निकल रहा है यार, देखा ये देखो। अरे नहीं वो ऐसी है, उसने मेरे को थाल पकड़ा दी तो मैंने कहा यार अच्छा तो लग ही रहा है, वहां सुंदर सी दिखाई देती, मैंने चलो ले लेती हूँ। तो ये है थाल एक, साथ में ही मैंने लिए है बहुत सारे ये दिवाली डेकोरेशन के लिए ले लिया, डेकोरेशन का सामान, अलग अलग तरह के फ्लावर्स लिए हुए हैं। वैसे दिल्ली में बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हुए हैं, तो पूरा खोल के दिखाइए क्या? खोलते कहाँ से, मैं वही सोच, वो तो बाद में खोलेंगे, रहने दे भी। नहीं नहीं दिखा देती हूँ कैसे, तो बाद में खोलेंगे। ये तो है सिंपल वाले, ये पांच का सेट दे रहा था वो, क्योंकि बहुत छोटे नहीं है मन। ये है सिंपल से येलो कलर के। वैसे तो आप सबको पता है कि हमारा फर्नीचर नहीं आया हुआ है, और हमारा काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है जो एक महीने से लटका हुआ है, तो इसीलिए ज्यादा कुछ सामान लिया नहीं, क्योंकि मैं कहाँ लगाऊंगी ये सब ना। हमारे पास सोफा है, एक छोटा बेड है, उसमें थोड़ा सब कुछ लगाऊंगी। तो हेमंत कहते हैं कि लाइटिंग वाइटिंग, मैंने कहा लाइटिंग दे दो तो एक बालकनी में लगा दो वैसे, क्योंकि अच्छा चलो मैं दे रही हूँ। ये थोड़ा डिजाइन वाला दिया, ये थोड़ा इस तरह के ले रखे हैं देखो, इसमें से नीचे आजकल ये आ रहे ना ये लटकन वाले, ये पत्ते एक बार उसका इसने पता, अरे नहीं 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 ऊपर कर इसने पता है। आज मैंने बाहर बालकनी में तो सुंदर मनी प्लांट का वो नकली वाला लगाया था, हेमंत ने धोने के लिए निकाला, और भाई साहब मेरे कुत्ते ने उसके चार हिस्से करके तोड़ के फेंक दिया। इसकी सारी आदतें अच्छी है, बस ये कोई भी लटकती हुई चीज नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, तोड़ के फेंक देता है। और ये रहे माता रानी के पैर, मेरे को गोल्डन में चाहिए थे, पर जब उसने मुझे बोला ना 20 का एक पैर, मैंने कहा बाप रे बाप पैर बेच रहे हैं क्या कर रहा है, मैंने रेड वाले ले लिए जो कि सबके घर में लगते हैं। और ये है हमारा स्टार्टिंग के लिए मैंने लगाया हुआ है, वैसे तो मेरे को अपने लोहे के गेट में लगाना था, एल्यूमिनियम के गेट में सॉरी, बट कोई बात नहीं अभी ऐसे ही लगा देंगे। एक ही ले रखा है, ये तो मैंने शायद ब्लॉग में दिखाया था ना। और जितनी भी चीजें ले रखी है दोस्तों रीयूजेबल ले रखी है, बस पैर को छोड़ के माता रानी के। मेरे को शुरू से ही ये रहा है कि सब लोग करते हैं ना कि दिवाली में लेते हैं फिर यूज ही करते हैं, बट नहीं मेरे को ऐसी चीज चाहिए कि मैं हर साल रीयूज कर सकूं। यार पैसे पेड़ पर थोड़ा उगते हैं कि एक बार ही लिया और दोबारा फेंक दिया, नहीं ऐसा नहीं। और ये है हमारे, आप लोगों ने देखा था ना मैं माता रानी की मूर्ति लेकर आई थी, तो माता रानी की मूर्ति के लिए ये सिंपल सी एक हार लेकर आई हूँ मैं, और एक चुनरी लेकर आई हूँ माता रानी के लिए। वो चुनरी बहुत सिंपल सी थी, थोड़ा सा एक अलग लेकर आई हूँ चुनरी, ये चुनरी है। साथ में दो छोटी छोटी मालाएं हैं, ये है हमारे गणेश जी के लिए और लक्ष्मी जी के लिए। और साथ में ही यहाँ पर मेरे घर में, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग नए नए हैं तो ये कुमकुम वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ये सब भी मैं खरीद के ले आई साथ में ही। और ये है कुछ मिट्टी के दिए जो कि मैं सारी जितनी भी देली हैं घर की उनमें लगाऊंगी। और सबसे सुंदर जो आज का पाठ है वो है गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने के लिए। तो मैं गई थी मिट्टी की मूर्ति, लेकिन जो मैंने वहाँ पर वैसे मैं दी भी, हमने पैक भी करवा ली थी, पेमेंट भी होने वाली थी, बट होते होते इसको गलती से ये दिख गया ना, जैसे दुकानदार बाहर से दिखाते हैं, मैं नजर में घूमती रहती हूँ, दुकान के अंदर 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 घूमती रहती थी, देखते 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 इतने कोने में चले गई, वहाँ मेरे को बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई दी। तो उसने मेरे को वैसे तो वो बोला कि संगमरमर की मूर्ति, पर मुझे नहीं पता कि संगमरमर की मूर्तियाँ नहीं होती है। ये जो मूर्ति है ये आजकल वो प्लास्टिक टाइप की चलती है ना, थोड़ा सा ये एकदम सेम वैसी है जैसे हमने जैसे मैंने वाइट वाली माता रानी की रेल की है। तो ये है लक्ष्मी माता की मूर्ति, और ये रही गणेश जी की मूर्ति। ये मेरे को मतलब हमेशा के लिए चाहिए थी, और मेरे मंदिर से मैच भी कर रही थी, तो इसीलिए मैंने ये दोनों मूर्तियां वहां से ली है। और बहुत सुंदर मूर्ति है ना, कितने प्यारा सा उसने वो नक्काशी की हुई है। तो दोस्तों ये सारा बाबू सुंदर लगा दिया इसने। तो ये है मेरी दिवाली की शॉपिंग, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। देखो कितनी सारी शॉपिंग हेमंत से बोली कुछ नहीं लेंगे और नहीं लेते लेते रहते इतनी चीजें सामान में। सिर्फ मैं ये लेने गया था दिए, सिर्फ दिए लेने गए थे हम, और दिए 20-50 रुपए की चीज लेने गए, ये सब हमारे लिए आ गया। पता है लेडीज का मन, मैम ये वाली माला ले लो ये ना ट्रेंड में चली, भाई कितने की है 1000 रुपए की है, मैं ये वाली कितने की 500 रुपए, भाई 500 से नीचे कुछ तो दिखा दे, ये सामान भी दिया है ना, ये दिल्ली से 3 टाइम महंगा लिया है मैंने, बट कोई बात नहीं भगवान जी के लिए चलता है। तो ये सब सामान आप लोगों को दिखा रही थी, और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, मेरे को और काम भी करना है, और सभी लोगों को एडवांस में
हैप्पी दिवाली। वैसे तो मैं सोच रही थी कि आज बर्तन वगैरह भी ले लूं, बट हेमंत ने कहा कि नहीं धनतेरस के दिन ही आता है, बट मेरे को ऐसा कुछ मानना नहीं कि धनतेरस में इतनी भीड़ हो जाती है और सामान भी अच्छा नहीं मिलता है। हो सकता है कि पहले ही ले आऊं, हो सकता है कि धनतेरस में सुबह लेकर आऊं। फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग तक के लिए बाय बाय, और आप सब लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लो।